नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र। न्यूज वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। आज से 5 दिन तक लॉकडाउन रहेगा जिला। भ्रमण के दौरान आर्य हॉस्पिटल एवं केशवरानी मेडिकल पर की गई कार्रवाई। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख का नशीला सिरप सहित दवाएं जब्त की गई। लोकायुक्त की कार्रवाई ने बढ़ाई शिकायतकर्ता की मुश्किलें, जान से मारने मिल रही धमकी। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में आज से जिला कलेक्टर द्वारा 5 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद शहर की सभी सड़कें सूनी हो गई और दुकानों में भी ताले लटक गए। वहीं इस दौरान लॉकडाउन के बीच पड़ने वाले त्योहारों की चमक भी फीकी समझ आने लगी। देश भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने शासन एवं प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया। विगत देर रात्रि पुनः कोरोना के 21 नए केस सामने आए, जिनमें से शहर के खुटेही से ही एक ही घर के 18 मामले आए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में रायपुर करचुलियान से 2 एवं नईगढ़ी से 1 केस आया। इस प्रकार कुल पॉजिटिव 332 हो गए, जबकि एक्टिव केस 191 हैं। जिसके बाद दुकानों में ताले लग गए, वहीं सड़कें सूनी हो गई और लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक तफरी पर भी रोक लगाने सभी चौराहों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया। वहीं इस लॉकडाउन की वजह से कुर्बानी का पर्व, बकरीद एवं भाई बहन के सौहार्द का त्यौहार रक्षाबंधन भी फीका नजर आने लगा। इस लॉकडाउन के पालन के स्थिति को देखने कलेक्टर इलैयाराजा टी एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा आज शहर का भ्रमण किया एवं अनावश्यक घूम रहे लोगों को समझाइश भी दी। भ्रमण के दौरान गैस प्रदाय करने वालों को भी मास्क लगाने एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल की समझाइश दी। इस दौरान उनके द्वारा दवा की दुकानों का भी निरीक्षण किया एवं गुड़चौराहा स्थित आर नर्सिंग होम में बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई की। वहीं समीपी संचालित केसरवानी मेडिकल स्टोर पर भी सीजिंग की कार्रवाई की गई, जबकि लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी का इसमें थोड़ी साफ लगाएंगे, ये साफ का थोड़ी इमरजेंसी में लगाएंगे, ये भी तो इमरजेंसी है। आपका कोई व्यक्ति है ना बाहर हमेशा रखेगा, सैनिटाइजर देगा, सारे लोगों को है ना करेगा, चेक करेगा। अभी अभी जैसे ऊपर चली गई है सर, नहीं ये गलत है, आपका नोटिस इशू होगा सर। अभी मैं पकड़ा लेती सर, अरे हॉस्पिटल है, नोटिस इशू होगा कंप्लीट है ना, ब्रीच ऑफ ना प्रैक्टिस है, प्रोटोकॉल है, ठीक है। अभी जैसे सर जो इमरजेंसी आई ना सर, उसको पूरा सैनिटाइज कराया सर हम लोगों ने, तो वो क्या गाँव से आ रही थी ओनली पेशेंट मैडम, यहाँ सर ये लॉकडाउन लागू किया गया है और इस दौरान शहर भ्रमण भी किया गया है, आपके द्वारा क्या चीज़ें देखने को मिल रही है और क्या पालन कर रहे हैं? हम सबको पता है रीवा डिस्ट्रिक्ट में भी है ना कोरोना का है ना संक्रमण है ना बढ़ते जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं और SP साहब और SDM पूरी टीम ने शहर का है ना भ्रमण किया है। कोई भी व्यक्ति है इस नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनको है ना वार्निंग दिया गया है। कुछ शॉप्स हैं मतलब किनकी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सैनिटाइज़र का ना फॉलो कराना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया था, उनको आज ना वापस ना बंद कराया गया है। बार बार ना मेरी लोगों से ना अपील है, प्रशासन कोई भी चीज़ को प्रस्तावित कर रहा है वो आपके ना सुरक्षा के लिए है। सो सभी लोग ना इसको ना समझे और प्रशासन का ना साथ भी दें और नियम का ना पूरी तरीके से पालन करें। सभी लोग हमेशा है ना मास्क पहनते हुए है ना मतलब अपना है ना काम करें और एक सोशल डिस्टेंसिंग है, दोनों लोगों के बीच में एक दूरी है, उसको हमेशा बनाए रखें। वो आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की और आपकी पड़ोसी की और पूरी समाज की सुरक्षा में ना मदद में आएगा। सर ये कंटेनमेंट एरियाज कुछ लोग बाहर निकल के काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कल भी है ना इस प्रकार का हम लोगों के 2 कंप्लेंट मिली थी। इमीडिएटली पुलिस की टीम और हमारी रेवेन्यू की टीम दोनों ने ना ज्वाइन कार्रवाई किए हैं। उनके खिलाफ 144 का है ना उल्लंघन करने के प्रति वो 188 में है ना हम लोग ने FIR दर्ज किए हैं और लगातार है ना उनको सभी लोगों को हम लोग ऐसे लोगों को है ना सचेत करते हैं कि वो कंटेनमेंट एरिया की ब्रीचिंग है ना ना करें। सेम होम क्वारंटाइन में भी है ना सभी लोग, बहुत सारे घर पे होम क्वारंटाइन का पोस्टर लगा हुआ है, उन सभी घरों की परिवारों से भी है ना अनुरोध है
वो घर से ना बाहर ना आए, 14 दिन अपना अपने आप को समाज से दूरी बनाए रखें, और 14 दिन के बाद है ना आप समाज में ना वापस आके हर चीज ना कर सकते हैं। लोगों को खाद्य आपूर्ति के लिए नगर निगम द्वारा व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी। किसानों के लिए खाद बीज सहित गैस दवाओं व अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए भी जारी रखने की जानकारी दी। इसमें व्यवस्था में नगर निगम के द्वारा सब्जी की ना होम डिलीवरी के लिए और ग्रासरीज का होम डिलीवरी के लिए ना पर्याप्त व्यवस्थाएं ना किया गया है। साथ में मतलब हमारी ना पीडीएफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पूरी है ना खुले रहेगा, और किसान की है ना खाद बीज है मतलब है ना उसको भी हम लोग है ना जारी रखने के लिए निर्देशित किए हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेडिकल शॉप्स, कितने भी अत्यावश्यक सेवाएं हैं वो सारे भी है ना निरंतर है ना खुले रहेगा। कहीं भी कोई भी है ना व्यक्ति को है ना परेशानी ना हो इसके ऊपर प्रशासन लगातार है ना कर रहा है, मतलब किसी को भी परेशानी आता है तो तत्काल संपर्क कर सकते हैं। वहीं इस लॉकडाउन के पालन को लेकर पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न चेक पॉइंट का निरीक्षण कर बताया कि सर क्या कार्रवाई की जा रही है लॉकडाउन के दौरान, पुलिस चेक पोस्ट कितने चेक पोस्ट बनाए गए हैं और किस एक से नज़र रखी जा रही है। पुलिस का पूरे शहर सहित पूरे देहात में हर जगह व्यवस्था लगी है। लॉकडाउन के अलावा सारे पॉइंट लगाए गए हैं, मुख्य चौराहों पर पॉइंट लगाए गए हैं। स्पेशली कई लोग ऐसा होता है कि जब पुलिस का चौराहा देखते हैं या पुलिस देखते हैं तो मास्क लगाने लग जाते हैं और न मास्क को गले में लटकाए रहते हैं। हमने ऐसे लोगों का भी जो है बिना मास्क का चालान करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कुछ दुकानें खुली हुई हैं उनमें 188 की कार्रवाई। इसके अलावा जो भी लोग मोटरसाइकिल से अनावश्यक घूम फिर रहे हैं उनको भी बोला गया कि उनसे पूछें कि उनकी मेडिकल इमरजेंसी या कोई शासकीय काम तो नहीं है, या जैसे मीडिया से भी जुड़े लोग हों चाहे ऐसे लोग जिनके जो उनका रोज़मर्रा का काम है, उनके अलावा कोई भी लोग तफरी करने के लिए निकलते हैं तो उनके ऊपर जो है चालानी कार्रवाई, उनके ऊपर अधिक से अधिक कार्रवाई जुर्माने की जाए, इस तरह के निर्देश दिए गए जिसका सख्ती से पालन कराया जाए। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा अपराधियों एवं माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे सतत एवं सघन अभियान के तहत मुखबिर से मिली सूचना के बाद नईगढ़ी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी विद्यावारी तिवारी एवं हमरा स्टाफ द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो क्रमांक MP17TA0357 की तलाशी के दौरान कुल 6 पेटी प्रतिबंधित नशीला कफ सिरप जब्त कर वाहन चालक एवं अन्य को गिरफ्तार किया, जबकि 3 अन्य फरार हो गए। वहीं वाहन चालक धर्मेंद्र गुप्ता से कड़ी पूछताछ पर उसकी निशानदेही के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मोहगंज एडिशनल SP SK जैन बल के साथ पहुंच मोहगंज न्यायालय के पीछे स्थित आवास से 59 पेटी कोरेक्स एवं नशीली दवाओं का जखीरा जब्त किया। इस दौरान कुल 7,800 cc ऑनरेक्स, 900 डोज नशीला इंजेक्शन हुआ, 10,528 नग कैप्सूल सहित 23,000 नकदी हुआ। धर्मेंद्र गुप्ता, प्रेम फूलचंद गुप्ता एवं धीरेन्द्र गुप्ता को गिरफ्तार किया। वहीं जब्त की गई दवाओं की कीमत 15 लाख आंकी गई है। इस दौरान नईगढ़ी थाना प्रभारी एवं उनके हमरा स्टाफ सहित मोहगंज एडिशनल SP व पुलिस बल उपस्थित रहा। वहीं इस कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले मोहगंज थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल को निलंबित कर दिया गया, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा दी गई। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। बेसिकली नईगढ़ी का मैटर है। नईगढ़ी थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुछ बलेरो वाहन से कफ सिरप लाई जा रही है, तो उनके द्वारा बलेरो वाहन रोका गया तो उसमें करीब 6 पेटी कफ सिरप मिला। तीन आरोपी मौके पर मिले, उसमें पाया ये गया कि कुछ कि उसमें 6 पेटी कफ सिरप है। कफ सिरप में जो आदमी पकड़ा गया वो मूलतः जो है मऊगंज का रहने वाला था, और उसके बारे में भी शोहरत थी कि इस तरह का कार्य वो करता है। पार्टी जो है तत्काल मऊगंज में उसके मकान की तलाशी लेने गई। तलाशी लेने पे वहाँ पे 59 पेटी कफ सिरप मिला, भारी संख्या में नशीली दवाइयाँ मिली, लगभग 10,500 नशे की गोलियाँ कैप्सूल मिले। ये अपने आप में एक नई चीज़ जब्त हुई। उसके अलावा 900 इंजेक्शन मिले, जो लोग नशे का इंजेक्शन लेते हैं वो मिले। ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है और एक गंभीर घटना थी, इस पर गंभीरता से कार्रवाई की गई। चूँकि मऊगंज में सारी चीज़ें हो रही थी और मऊगंज थाना प्रभारी द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई थी कि ऐसी चीज़ों पर नियंत्रण नहीं किया गया था, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और बाकी सभी आरोपियों के खिलाफ नईगढ़ी में कार्रवाई की जा रही है। कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 4 आरोपी फरार हैं, जिसमें एक आरोपी वह है जो कप सिरप की सप्लाई करता था ब्रजेश यादव करके है, वो बनारस का रहने वाला। हमने तय किया है कि जो भी स्रोत है वो भी आरोपी बनेंगे,
जहाँ से भी लाया जाता है, चाहे वो वैध लाइसेंस धारी क्यों ना हो, अगर वैध लाइसेंस धारी और किसी व्यक्ति को कफ सिरप बल्क में सप्लाई करता है तो डेट इज़ क्राइम। चाहे एक व्यक्ति को एक से अधिक कफ सिरप बेचना ही अपने आप में क्राइम है। तो अगर बल्क में सप्लाई इलाहाबाद का कोई मेडिकल स्टोर वाला कर रहा है तो हर मामले में वो आरोपी बनेगा और हम उसको आरोपी बनाएंगे, उसके खिलाफ इनाम घोषित करेंगे, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आईजी साहब के माध्यम से वहाँ के अधिकारियों को विवश करेंगे कि हमारे इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करें। विगत दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त द्वारा केवथर क्षेत्र अंतर्गत अमिलिया गांव में समिति प्रबंधक पर कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में उक्त समिति प्रबंधक करोड़ों का समय निकला था। वहीं लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई के बाद समिति प्रबंधक के द्वारा शिकायतकर्ता को आए दिन जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जबकि पुलिस के संरक्षण के कारण आरोपी से अभी तक किसी प्रकार की जब्ती की कार्रवाई नहीं किए जाने से आरोपी के हौसले बुलंद है। आरोपी द्वारा पूर्व में गोली चलाने की भी जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा दी गई। वहीं अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर विगत दिवस पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई, जिस पर एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा द्वारा चाकघाट थाना प्रभारी से मामले की जांच करने की जानकारी दी। प्रस्तुत शिकायतकर्ता किसान नेता ललित मिश्रा से जानकारी के अनुसार मामला में सेवा सहकारी समिति मर्यादित अमिलिया एवं अन्य सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत में 2013-14 से मैं लगातार कर रहा हूँ, जिसमें अमिलिया समिति प्रबंधक, प्रभारी समिति प्रबंधक जो विक्रेता थे उन्हें प्रभार दिया गया है, उनके द्वारा तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार किए गए हैं। मेरी शिकायतों में पूर्व में भी 3200 कुंटल धान गमन का मामला आया, जिसमें उन्हें कोर्ट द्वारा जमानत मिली। उसके बाद लोकायुक्त में 2015-16 में हमने शिकायत किया था, जिसकी कि 20-7-2020 को लोकायुक्त द्वारा छापा मारा गया। छापा की कार्यवाही में उनके पास से 9 mm की पिस्टल बिना लाइसेंस के उपलब्ध हुई, पकड़ी गई। उसके साथ में 27 कारतूस, 4 कारतूस अलग अलग कारतूस से, जो TI द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है उसके आधार पर 31 कारतूस बरामद हुई। उनके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के ही समय उन्होंने ये पुलिस वालों के सामने ही बोला है कि मैं लौट के आऊँगा तो जो मेरी शिकायत किया है ललित मिश्रा किसान नेता, मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद 4 दिन बाद उनकी जमानत हुई और परसों वो घर आए। घर आने के बाद लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं इसके पूर्व भी 2017-18 में मेरे घर चढ़ाई करके रात 10 बजे गोली चलवाए थे, जिसकी हमने सूचना 100 नंबर डायल को दिया था, बाद में SP साहब को दिया था, IG DGP भोपाल को भी हमने पत्र लिखा था जान माल की सुरक्षा के लिए, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस बार भी इसी तरह से मेरा रास्ता रोका जा रहा है, जिससे मैं दुखी होकर के अपनी पीड़ा लेकर के आज SP ऑफिस, माननीय संभागायुक्त के यहाँ और कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन दे के अपने और एवं अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा चाहता हूँ। अभी तो एडिशनल SP साहब ने कहा है कि मैं चाकघाट थाना प्रभारी को लिख करके मैं इसकी जांच करवाता हूँ और जो भी उचित होगा उसकी कार्यवाही मैं करवाता हूँ। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर सुने। आज से 5 दिन तक लॉकडाउन रहेगा जिला। भ्रमण के दौरान आर्य हॉस्पिटल एवं केशवरानी मेडिकल पर की गई कार्रवाई। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख का नशीला सिरप सहित दवाएं जब्त की गई। लोकायुक्त की कार्रवाई ने बढ़ाई शिकायतकर्ता की मुश्किलें, जान से मारने मिल रही धमकी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।